नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और बेस्ट तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि एग्जाम होंगे, यह तय है या फिक्स है कि एग्जाम होंगे। जैसे ही यूपी बोर्ड के सारे एग्जाम्स फिनिश होते हैं, आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और रहेगी बात यह सेशन जो SST का चल रहा है, यह सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप DLED थर्ड सेमेस्टर के हों, चाहे SST, चाहे आप सुपर टेट के एग्जाम देने वाले हों, तो ये सारे सेशन हम जो यूपी टेट के सेक्शन हैं जो हमने बनाया है, यूपी टेट के सारे क्लासेस दिए हैं, वहाँ पे भी ऐड कर देंगे। क्योंकि यूपी टेट और सी टेट के जो सेकंड पेपर होते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यह और प्लस सुपर टेट के लिए तो एक तरह से वरदान होगा यह सेशन, जो हमने मुगलों का सेशन पूरा ख़त्म किया और आधुनिक हिस्ट्री जो हम पढ़ा रहे हैं, यह बहुत ही बेस्ट होगा। जिसमें कि हम लोग देख लिए थे प्लासी की लड़ाई किनके किनके बीच होती है आपको पता होना चाहिए, जो कि 23 जून 1757 के ईस्वी को होता है, मीर जाफर और प्लस उधर क्लाइव के साथ होता है। क्लाइव की जीत होती है और सिराजुद्दौला की हार होती है और क्लाइव जीत जाता है और मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। मीर जाफर जो गद्दी पर बैठता है वो कब से कब तक रहता है, तो 1760 से 1763 तक रहता है। इसके बाद उसका दामाद आ जाता है मीर कासिम, फिर वह अपने मन का करने लगता है, सारी चीज़ें उसके पक्ष में होने लगती हैं, तो अंग्रेज़ इससे चिढ़ जाते हैं। इसके बाद वो चढ़ाई कर देते हैं, इसको हराते हैं। फिर वहीं पर हमको पता चलता है कि भैया जो उस समय मुग़ल बादशाह होते हैं शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब होते हैं यूपी क्षेत्र के, और मीर कासिम, इन तीनों के बीच त्रिगुट की संधि के साथ हेक्टर मुनरो के साथ, जो हेक्टर मुनरो होता है वह अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व करता रहता है, और तीनों मतलब इन तीनों के साथ इनके बीच एक तरह से मुठभेड़ देखने को मिलता है। कहाँ पर? पटना में। और वहाँ पर हमको यह देखने को मिलता है कि अंग्रेजी सेना जीत जाती है और इन लोग के साथ एक संधि होती है। कौन सी संधि होती है तो बता देंगे भैया, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद प्रथम और इलाहाबाद द्वितीय। इलाहाबाद प्रथम की जो संधि होती है वह सुजाउद्दौला के साथ होता है, सॉरी शाह आलम द्वितीय के साथ होता है, मुगलों के साथ होता है, और उनसे बंगाल बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र पूरा का पूरा ले लिया जाता है। इसी प्रकार से सेम इलाहाबाद सेकंड की संधि होती है, वह होता है सुजाउद्दौला के साथ, जो कि अवध के नवाब होते हैं, एक तरह से यह कह लीजिए कि जुर्माना भरते हैं 50 लाख रुपए। तो सारी चीज़ें हम क्रम से पढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से, जो हमने इतना चीज़ें बोल दिया इसमें क्रमवार चीज़ें अगर पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार आप लोग शेयर कर देंगे जिससे कि सारी चीज़ें हमारे अनुसार हों। मित्र, जो चीज़ें आपको दिया जाता है एक ठोस एक लेक्चर है ना, समझ रहे हैं? आँख में पता नहीं क्यों मेरे बहुत एक तरह से ना गड़न टाइप में, और दो दिन से तीन दिन से ऐसी घटना हो रही है, दो दिन से कल से सारी चीज़ें हो रही हैं, और बहुत ना कुछ पता नहीं चल रहा, अचानक से बहुत मलने का मन करता है, मल दिया जाए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हम स्टार्ट कर लेते हैं बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को होता है, यह सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखना है, देखिए मीर जाफर को 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक, 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक, भैया हमने क्या बोल दिया वहाँ पर, मीर कासिम का था 1760 से 1763। लेकिन जो मीर जाफर होता है, जब यहाँ पता चलता है कि सिराजुद्दौला जो होता है वो प्लासी की लड़ाई में हारता है। एक तरह से हारता क्या है, एक तरह से कह लीजिए कि यह व्यू होता है, एक तरह से रखा हुआ, एक तरह से षड्यंत्र होता है इनको हराने का, क्योंकि इनके जो सेनापति होते हैं उनको अंग्रेजों द्वारा बहला फुसला कर उनको राजगद्दी को, कुछ लोगों को राजगद्दी का लालच देकर अपने तरफ मिला लिया जाता है, और इनकी जो घसीटी बेगम मौसी होती हैं और उनके साथ भी बहुत सारी संरचना बना लिया जाता है और इनको हरा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसी के साथ हम लोग को यह देखने को मिलता है भाई कि एक तरह से जो मीर जाफर होता है उसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है। जो मीर जाफर होता है वो 1757 से 1760 तक यह गद्दी पर बैठा रहता है मीर जाफर। और इसी बीच एक तरह से कह लीजिए कि यह कठपुतली शासक होता है अंग्रेज़ों का, सारा काम मतलब कि अगर वसूलने का काम किया गया जैसे कि टैक्सेशन हो गया, प्लस एक तरह से जो जमींदारी होता था उस समय, जितने भी कर होते थे सबको वसूलने का काम उसका होता था, और उसमें से लगभग बहुत ज़्यादा लगभग 90% जो हिस्सा होता था वो चला जाता था अंग्रेज़ों के हाथ में, और 1/10 हिस्सा ये अपने पास रखता था। ये सारी चीज़ें होती थी, प्लस जितने भी यहाँ का सोने वगैरह का, या फिर कह लीजिए कि जो भी इसका मतलब कि सोने का खदान था मुग़लों का, एक तरह से जो नवाब थे वहाँ के, उनका सारा का सारा इसके हाथ में होता था अंग्रेज़ों के, और उसका रखवाली किया करता था। हाथ में किसके होता था? उसके, बिना किसी
बिना अंग्रेजों के ऑर्डर के अनुसार या कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ एक काम कर सकता था कि भैया अगर युद्ध के बारे में लड़ाना है, युद्ध करवाना है, तो ये सारी चीज़ डिसीजन ले सकता था। सारी चीज़ें गलत काम यह करता था और थोपा जाता था, मतलब कि गलत काम सब कुछ ये करता था, सारी हरकतें ये करता था, और हमारे देश के भारत जनता सोचती थी कि सच में मुगल या फिर यह नवाब जो है बहुत गलत है, और अंग्रेज पीछे आड़े से इसका खिंचाई किया करते थे, ये बात याद रखेंगे। अब इसी बीच क्या होता है कि एक आता है मीर कासिम जो होते हैं मीर जाफर के एक दामाद होते हैं, मीर कासिम थोड़ा सा अव्वल होता है और यह थोड़ा सा दिमाग वाला भी तेज होता है, और यह किसी का कठपुतली शासक बनना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर मीर कासिम आते ही बोलता है, यह बोल उठता है कि अगर हमें नवाब बना दिया जाए तो हम इससे ज़्यादा रियायतें देंगे, मीर जाफर से ज़्यादा रियायतें देंगे। अंग्रेज़ खुश हो जाते हैं, और जो मीर कासिम होता है यह 1760 से लेकर 1763 तक ही शासन करता है। इसके आगे की बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी 1760 से लेकर 1763 तक गद्दी पर बना रहता है। मीर कासिम एक योग्य शासक रहता है, इस वजह से यह किसी का कठपुतली बनना पसंद नहीं करता था, और इसी बीच बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं हमें। कुछ नीतियां या परिवर्तन करता है अपना, उसको अपने अनुसार प्रयोग करता है, अंग्रेजों के अनुसार नहीं। जैसे मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी उसको मुंगेर ट्रांसफ़र कर देता है। तो यह पूछा जाता है आपसे कि मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी अंग्रेजों के समय, जब आपका प्लासी के युद्ध के बाद, तो उसको किसने मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर जो मीर कासिम द्वारा राजधानी बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, बताएंगे बिहार में एक मुंगेर जिला है उसको बनाया गया था, आज भी वो जिला है, पहले नहीं हुआ करता था जिला, पहले एक क्षेत्र विशेष हुआ करता था। तो अब वही चीज़ जिले के रूप में हमको देखने को मिलता है मुंगेर। तो मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था, मीर कासिम द्वारा, बता देंगे मुंगेर बनाया गया था। अब यह सारी घटनाएं अंग्रेज़ खुली आंखों से देख रहे थे, और यह देख रहे थे कि सच में कितना पावरफुल इंसान है, या फिर कितना इसकी जो सोच है हम लोग से बहुत परे है, यह हमारे मुट्ठी भर चीज़ों में बंध कर नहीं रहना चाहता है, यह चाहता है उड़ना, यानी कि यह अपने सोच के हिसाब से सारा कारनामा करने लगा, अपनी सेना बनाने लगा, अपनी सेना को अस्त्र शस्त्रगार एक तरह से सुव्यवस्थित करने लगा, सारी चीज़ें अंग्रेज़ देख रहे थे। इसी बीच एक घटना हो जाता है अंग्रेज़ का एक व्यापार, एक तरह से कह लीजिए व्यापारी होता है, एक तरह से और कह लीजिए कि जो कुछ क्षेत्र विशेष थे वहाँ पर अंग्रेज़ों को ही एक तरह से रियायतें दिया जाता था, मतलब कि टैक्स में छूट, लेकिन यह एक काम कर लेता है यहाँ पर जिससे कि और चढ़ जाता है अंग्रेज़ों के आँख में। यह जो मीर कासिम होता है वह अंग्रेज़ों के सिवा जो अलग व्यापारी थे, जो दूसरे व्यापारी थे, उनको भी एक तरह से रियायत देना शुरू कर देता है, हिंदू मतलब कि एक तरह से भारतीयों को भी रियायत देना शुरू कर देता है, कि भारतीय भी एक तरह से व्यापार कर सकें, खुले रूप में स्वतंत्र रूप में व्यापार कर सकें। यह महत्वाकांक्षी, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी वाला रहता है, और इसको देखकर अंग्रेज़ों की आँख में गड़ने लगता है। अब ऐसे में एक अंग्रेज़ शासक होता है, इसी बीच मतलब यह सारा का सारा प्लान बन ही रहा था कि इसको हटाया जाए, तब तक एक घटना घट जाता है, एक प्लान बनाते हैं सभी लोग इसको हटाने का, लेकिन एक घटना घटता है इसी बीच, पटना के कांड के नाम से जाना जाता है, याद रखना। पटना कांड किसके समय हुआ था पूछा जाता है, पटना कांड किसके समय हुआ था, तो बता देंगे मीर कासिम के समय हुआ था। पटना कांड कहाँ पे हुआ था, पटना एक जगह है बिहार में, आपको पता होना चाहिए, कैपिटल है बिहार का। तो पटना में कांड हुआ था, पटना के कांड में क्या हुआ था, आखिर क्यों यह फेमस हुआ, इस बात को याद रखना। एक अंग्रेज अधिकारी रहता है एलिस, क्या नाम होता है, एलिस। एक अंग्रेज अधिकारी रहता है एलिस, यह जो है कि 1763 ईस्वी में जो मीर कासिम का एक तरह से कलेजी जो क्षेत्र विशेष रूप से विस्तार किया जा रहा था, अपनी कंपनियों का बढ़ाया जा रहा था, कारनामे अपने किए जा रहा था, उस पर यह एलिस रुकावट खड़ा कर देता है और अपना सेना लेकर हावी हो जाता है। इसी बीच मीर कासिम के आदेशानुसार एलिस को मार दिया जाता है और अंग्रेजों में खलबली मच जाती है। तुरंत अंग्रेज इसको हटाते हैं और फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बैठा देते हैं। तो याद रखना वो कौन सा समय था जब एलिस आक्रमण किया था इनके जो मीर कासिम होते हैं इनके क्षेत्र विशेष में, इनके कंपनी में, तो बताएंगे 1763 ईस्वी में यह आक्रमण किया था, और उसी समय पटना कांड की एक तरह से देखने को मिल जाता है। और उस समय मीर कासिम के आदेशानुसार उसके सैनिक जो होते हैं एलिस को मार देते हैं। अब अंग्रेजों में खलबली मच जाती है, अरे यह क्या कर दिया यार, जिसको बनाया गया था रखवाली के लिए, जो हमारे इशारे पर नाच रहा था,
अब वो तो बहुत आगे निकल चुका है, इसको हटाना ही निश्चित है, इसको हटाना हटाया जाना ही एक तरह से चाहिए, तो इसको हटा दिए जाते हैं। फिर से गद्दी पर कौन आ जाता है, बता देंगे, मीर जाफर आ जाता है, वही कठपुतली शासक फिर से यहाँ पर बैठ जाता है। अब इस बीच क्या होता है, मीर कासिम बैठता नहीं है, मीर कासिम तुरंत निकलता है और अवध हो गया यूपी वाले क्षेत्र में निकल कर चला जाता है। वहाँ पर जब जाता है तो अवध के नवाब से ये मिलता है। अवध के नवाब उस समय कौन से होते हैं, तो बता देंगे भैया शुजाउद्दौला, और उसमें मुगल शासक होते हैं, मतलब मुगल बादशाह होते हैं उस समय कौन होते हैं, शाह आलम द्वितीय। हमने बताया था ना 1707 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, तो 1707 के बाद एक घटना देखने को मिलता है। 1717 में जो फर्रुखसियर होता है, यह क्या काम करता है, फरमान जारी करता है। एक फरमान ऐसा जारी करता है कि जो बिहार बंगाल उड़ीसा वाला क्षेत्र होता है उसमें अंग्रेज वर्क कर सकते हैं, लेकिन बाद में अभी आप देखेंगे बक्सर की लड़ाई के बाद यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र रूप में थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपना व्यापार करते थे उसको पूरी तरीके से इलाहाबाद की संधि के थ्रू अपना लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए शाह आलम द्वितीय जो होते हैं वो मुगल बादशाह होते हैं किस समय, जिस समय प्लासी बक्सर का युद्ध होने वाला था, और शुजाउद्दौला जो होता है यह अवध का नवाब होता है। अवध किस क्षेत्र में पड़ता है, यूपी वाले क्षेत्र में पड़ता है, याद रखेंगे। इसके बाद मीर कासिम तो रहता ही है, इस तरह यह भाग कर जाता है यहाँ पर, और इन तीनों की त्रिगुट संधि होती है। ये तीनों एक साथ आते हैं और उधर से अंग्रेजों का नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो। एक विशेष रूप से एक बात याद रखेंगे, पीटी के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जो बक्सर की लड़ाई होती है 22 अक्टूबर 1760 में, उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बताएंगे हेक्टर मुनरो कर रहा था। लेकिन एक विशेष रूप से एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो प्लासी की लड़ाई होती है उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बताएंगे 23 जून 1757 वाले ईस्वी में जो प्लासी की लड़ाई हुआ था उड़ीसा वाले क्षेत्र में हुआ था, उसका नेतृत्व कर रहा था क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से। और मुगल मतलब एक तरह से नवाब कौन सा था, तो बता देंगे सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला तो यहाँ पे रहता है जो कि नवाब का अवध का नवाब होता है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखना दोस्तों जो पटना कांड होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, अब इधर आके तीनों ये मिल जाते हैं और ये तीनों हावी हो जाते हैं किसके ऊपर, हेक्टर मुनरो के ऊपर। वह दिन कौन सा था, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ये जो बक्सर है, बक्सर कहाँ पड़ता है, तो बता देंगे बक्सर पश्चिम बंगाल वाले इलाके में पड़ता है बक्सर, वहाँ पर बक्सर सही ना भाई, पश्चिम बंगाल वाले इलाके में पड़ता है बक्सर ना भाई, बताना बंगाल के इलाके में नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर बस ये तीनों के त्रिगुट संधि के साथ हेक्टर मुनरो पर हावी हो जाते हैं, और तब तक उधर पता चलता है हेक्टर मुनरो भी बक्सर वाले क्षेत्र में आ चुका है पूरा अपनी सेना लेकर। यह एक विशेष रूप से कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय सबसे पहली लड़ाई कौन सी थी, जिस समय अंग्रेज अपना पैर पूरी तरीके से बस पसार लिए थे, पसार मतलब कि जमा लिए थे भारत में, कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी सैन्य शक्ति सैन्य के बल पर, तो बता देंगे बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी सैन्य के बल पर लड़ी गई थी, क्योंकि जो प्लासी की लड़ाई था वह सैन्य ताकत के बल पर नहीं था, वो एक तरह से कूटनीतिज्ञ था, एक तरह से कह लीजिए चापलूसी था, और एक तरह से वो एक तरह से रचना षड्यंत्र रच कर उसको मारा गया था सिराजुद्दौला को। लेकिन यहाँ पर अकेला अंग्रेज और प्लस तीनों की त्रिगुट संधि के साथ भी यह अंग्रेज जीत जाते हैं, और यह जो लड़ाई होती है यह तय कर देता है कि सच में भारत पर किसका सत्ता होगा। अब भारत पर सत्ता हो गया अंग्रेजों का पूरी तरीके से। अब दक्षिण भारत में मात्र 2-3 शासक ऐसे बचे थे, जैसे कि मराठा हो गया है प्लस टीपू सुल्तान, हैदर अली जो होता है टीपू सुल्तान, मतलब टीपू सुल्तान जो होता है हैदर अली का पुत्र होता है। इसमें भी चार कर्नाटक चार हमको लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी, इसके बाद वाला जो आएगा वीडियो उसमें देखेंगे। इस तरह से मराठा की लड़ाई भी होता है, मराठों को भी बाद में हरा देते हैं, उधर टीपू सुल्तान और हैदर अली को भी ये लोग मारते हैं बाद में, और पूरा का पूरा भारत में राजपाट करने लगते हैं, याद रखना है आपको। अब क्या होता है, ये तीनों संधि करके जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, ये तीनों के तीनों हार जाते हैं। अब कब हारते हैं, तो बता देना भैया 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर की लड़ाई होती है, इन तीनों को हरा दिया जाता है। अब हेक्टर मुनरो यानी अंग्रेजों का पारा गर्म हो जाता है। अंग्रेज कहते हैं भाई ठीक है, तुमसे हमारी विवाद हुआ तो तुम अकेले सलट लिए होते, नौबत ही ना आता बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल पूरा का पूरा, मतलब बंगाल बंगला पूरा का पूरा हमको जीतने में ये नौबत ही ना आता, और थोड़ी सी लेट हो जाती और लेकिन लेते जरूर हो सब, या फिर कह लो जो शाह आलम द्वितीय थे, जो सॉरी शुजाउद्दौला थे, इनसे नवाब मतलब अवध नहीं छीना जाता। लेकिन अब यहाँ पर ये लोग गलती कर दिए होते हैं मीर कासिम का साथ देकर। अब क्या होता है, अंग्रेज गुस्सा हो जाते हैं और शाह आलम को पकड़ लेते हैं। शाह आलम को पकड़ते हैं, कहते हैं भैया सुनो शाह आलम जी, आपके जो पिछले वंशज थे जो था फर्रुखसियर, वो एक तरह से फरमान जारी किया था, मात्र फर्रुखसियर जो था फर्रुखसियर वो मात्र एक फरमान ही जारी किया था कि भैया जो बिहार वाला है, बिहार है, बंगाल है और उड़ीसा है,
उड़ीसा, इसमें केवल और केवल व्यापार कर सकते हो आप और कुछ नहीं कर सकते। कब जारी किया था? 1717 ईस्वी को। लेकिन अब हमको केवल व्यापार नहीं करना है, अब हमको पूरा क्षेत्र ही चाहिए, यानी कि जो शाह आलम द्वितीय के साथ होता है संधि, उसका नाम होता है इलाहाबाद प्रथम संधि। इलाहाबाद का प्रथम संधि किसके बीच होता है? तो बताएंगे हेक्टर मुनरो, यानी कि अंग्रेजों और प्लस शाह आलम द्वितीय के साथ होता है। इसमें क्या बातें होती हैं? तो याद रखना है, इसमें यह बातें होती हैं कि भैया शाह आलम जी, आप घर पे बैठो, हम आपको सालाना 50 लाख रुपए देंगे। सालाना कितना रुपए देंगे? 50 लाख रुपए आपके घर भिजवा दिया करेंगे। ये चीज़ें इनके समय तय हुई और इनको भिजवाया जाने लगा। 25 लाख कितना? 25 लाख 25 लाख रुपए सालाना हम आपको क्या करेंगे? पेंशन दिया करेंगे। आप घर पे बैठो चुप मार के। अब एक काम करो ना, ये बढ़ोतरी आ चुकी है तो बिहार बंगाल उड़ीसा हमारे लिए सौंप दो, अब इस पे हम सत्ता संभालेंगे, सारे कारनामा हम करेंगे। तो याद रखना, ये जो संधि हुआ था सन 1765 ईस्वी में हुआ था। पूरा डेट याद करना है तो याद कर लीजिए, पूरा डेट हुआ था 12 अगस्त सन 1765 में। लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 और यह 12 अगस्त सन 1765 ईस्वी को यह संधि होता है इलाहाबाद का। और इसमें जो हमारे शाह आलम द्वितीय होते हैं, बिल्कुल घुटने टेक देते हैं और सारा का सारा संधि कर बैठते हैं शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के साथ में। अब दूसरा इलाहाबाद का संधि होता है एक और, जो किसके साथ होता है? वह शुजाउद्दौला के साथ होता है। शुजाउद्दौला क्या करते हैं भाई? यह एक तरह से मनबढ़ होते हैं और यह भी आए थे लड़ाई लड़ने के लिए फालतू का। अब इनका एक तरह से यह सबसे बड़ा भूल होता है। अब इसमें क्या करते हैं? अवध पूरा का पूरा अंग्रेजों को सौंप देते हैं। कौन सा संधि होता है? इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि भाई, इलाहाबाद का द्वितीय संधि कब हुआ था? मात्र 4 दिन बाद, 12 अगस्त से 16 अगस्त, यानी कि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। यह हुआ था इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इसमें शाह जो इसमें शुजाउद्दौला था, यह नवाब बना बैठा होता है अवध का। अब यह पूरा का पूरा अवध भी सौंपता है और प्लस जुर्माना राशि कितना? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए जुर्माना राशि सौंपते हैं, क्योंकि भाई यह फालतू का कूदे थे लड़ाई में। तो यह सारी की सारी घटना थी जो हमने आपको बता दिया। यह था बक्सर का युद्ध। समझ में आया हो तो पढ़िए इसी तरह। अब आगे लेकर आएंगे हम लोग मराठा को कैसे हराते हैं, टीपू सुल्तान और हैदर अली को कैसे हराते हैं यह अंग्रेज सब। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि विधिवत अच्छी खासी वीडियो होगा आपके लिए, जो कि जिसमें हम लोग सारे के सारे जो गुरु होते हैं, हमारे सिख गुरु होते हैं, उनको दसों के बारे में पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, कुछ ट्रिक से और कुछ ऐसे। एक सुबह सेशन आता है दोस्तों, 7 सुबह 7 बजे आता है डेली, उसको जरूर फॉलो किया करिए। मात्र 3 से 4 मिनट का होता है, जिसमें हम लोग जीके पढ़ते हैं सारे, मतलब कि हर एक टॉपिक उसमें लिया जाएगा बारी बारी से करके। 5 मिनट से कम ही का होता है, उसको आप देखा करें, जिसमें कि सारी चीज़ें राष्ट्रीय उद्यान हर एक चीज़ जीके में, जबकि सुपर टेट, रेलवे, बैंकिंग, SSC हर एक क्षेत्र में काम आने वाला है। चाहे आप यूपी टेट का आगामी सेकंड और फर्स्ट पेपर दें, सी टेट का आगामी फर्स्ट और सेकंड पेपर दें, बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। मात्र 5 मिनट से कम भी आपका लगेगा। जीके कथा के नाम से सीरीज है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और सारे क्लास रिवाइज करना स्टार्ट करिए। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होगा, सारे एग्जाम होंगे, सब कुछ प्लेलिस्ट में सजा दिया गया है। मैथ आज जो हुआ था, मैथ आपने दोपहर में देखा होगा, तो उसमें सारी चीज़ें हमने देखा कि एक तरह से कह लीजिए कि पूरा जो मैथ हुआ था उसमें लास्ट था आज नहीं, इसके बाद एक और मैथ आएगा, एक मैराथन और होगा। आज हमने पूरा पूरा आपका मेंसुरेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो आपने पढ़ा होगा अच्छे खासा, उसे देखे होगा, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा सारे जो मैराथन, उसको रिवाइज करिए। धन्यवाद। बस एक विनती है आप लोगों से कि जो कुरकुरे बैच चलाया गया है, आप लोग उसको बहुत प्यार दीजिए, अपने भाई बहन को बताइए और इस प्लेटफॉर्म पर जुड़िए। नमस्कार।